लोकसभा उपचुनाव का परिणाम आज आएगा। सुबह 8 बजे से पूर्णिया कॉलेज में मतगणना शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कुल 12 राउंड में मतों की गणना की जाएगी, जिसके लिए 28 टेबल लगाए गए हैं। काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, साथ ही निगरानी के लिए सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार उपचुनाव में 7% कम वोटिंग हुई। चुनावी मैदान में 11 प्रत्याशी हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला आरजेडी की बीमा भारती और जेडीयू के कलाधर मंडल और निर्दलीय शंकर सिंह के बीच त्रिकोणीय माना जा रहा है। कुल 54.25% वोटिंग हुई थी और माना जा रहा है कि यहां फाइट नेक टू नेक होगी, जिसमें जीत का मार्जिन बेहद कम होगा। बताया जा रहा है कि निर्दलीय शंकर सिंह के कारण यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं। बीमा भारती 2005 से रुपौली सीट से चुनाव जीत रही थी। लोकसभा चुनाव में जेडीयू छोड़कर आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी, लेकिन हार गई और इसके बाद विधानसभा की खाली सीट पर आरजेडी की कैंडिडेट बनकर चुनावी मैदान में उतरी। अब आज फैसला होगा कि बीमा भारती पर रुपौली पर अपना कब्जा फिर से वो जमा पाएगी या पार्टी बदलने का नुकसान होगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव आयोग से लेकर सियासी दल सभी ने चुनावी संग्राम के लिए मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। केंद्रीय निर्वाचन की टीम इस सिलसिले में झारखंड